दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चेक बाउंस के केस में माननीय त्रिपुरा हाई कोर्ट का एक ताज़ा जजमेंट आया है जिसमें कई सारी ऑब्जर्वेशंस की गई हैं। यानी अगर ड्रॉअर चेक पर अपने हस्ताक्षर मान लेता है तो उसके क्या मायने हैं, और लीगल नोटिस अगर परिवार का कोई और व्यक्ति रिसीव करता है तो क्या वो मान्य होगा या अमान्य होगा। तो दोस्तों ये सब मैं आपको इस वीडियो में अब बताने वाला हूँ कि माननीय कोर्ट की जजमेंट क्या रही है और क्या केस के फैक्ट्स थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलें, और साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। अगर दोस्तों संभव हो तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये केस है माननीय त्रिपुरा हाई कोर्ट की अगरतला बेंच का, क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर है 20/2022। दोस्तों ये केस का मैं टाइटल और नंबर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इस जजमेंट को निकालना चाहें तो आप वेबसाइट पर जाकर आराम से निकाल सकते हैं और आपको चैनल पर पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी केस के बारे में। इसलिए आप ये टाइटल और केस का नंबर नोट कर लें। इसमें केस का टाइटल है नबरम दत्ता वर्सेज गौतम रॉय बर्मन, और इसमें कोरम था ऑनेबल मिस्टर जस्टिस अमरनाथ गोड की बेंच ने यह जजमेंट अभी हाल ही में दिया। दोस्तों ये एक अपील थी जो कंप्लेनेंट के द्वारा फाइल की गई थी सीआरपीसी के सेक्शन 378 सबसेक्शन 4 और 372 के तहत, जिसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जजमेंट को चैलेंज किया गया था, जिसमें जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने चेक बाउंस के केस में यानी कि 138 के केस में जो अक्यूज़ थे उनको बरी कर दिया था। किस ग्राउंड पे बरी किया था ये भी मैं आपको बताऊंगा। अक्यूज़ ने कंप्लेनेंट से 9,75,000 रुपये का एक जो है फ्रेंडली लोन लिया था। उनकी आपस में जान पहचान थी और ये वादा किया गया था चेक जो अमाउंट लेते वक्त कि ये पैसा मैं एक साल के अंदर अंदर चुका दूंगा, और इसके बदले उन्होंने चेक इशू किया 9,75,000 रुपये का। और चेक जब इशू किया तब दो विटनेस वहां पर मौजूद थे, यानी कि दो लोगों की मौजूदगी में जो अक्यूज्ड है उसने चेक दिया कंप्लेनेंट को। और जो है जो चेक बाद में जब एक साल पूरा हुआ और अमाउंट नहीं आया बोरोड अमाउंट, तब कंप्लेनेंट ने चेक बैंक में लगाया और वो चेक बैंक में फंड्स इनसफिशिएंट होने की वजह से बाउंस हो गया। तो उसके बाद कंप्लेनेंट ने एक लीगल नोटिस भेजा जो कि मैंडेटरी है NI एक्ट के तहत। यह लीगल नोटिस अक्यूज्ड की वाइफ के द्वारा रिसीव किया गया, जिसमें 15 दिनों के अंदर अंदर पूरी की पूरी पेमेंट कंप्लेनेंट को देने का जो है बताया गया था, लेकिन पेमेंट नहीं आई 15 दिन के बाद भी। तो तब जो है कंप्लेनेंट ने सेक्शन 138 की कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के यहाँ पर फाइल कर दी, और फिर सेक्शन 118 और 139 जो है NI एक्ट की, जिसमें जो प्रिजम्पशन होती है उसको रिबट करना होता है अक्यूज के द्वारा, वो करनी होती है। क्योंकि ये प्रिजम्पशन ये कहती है 118 की और 139 की कि कोई ना कोई लीगल लाइबिलिटी थी अक्यूज के प्रति जिसको उतारने के लिए उसने चेक दिया। तो दोस्तों इस केस में ट्रायल कोर्ट का जो फैसला आया वो अक्यूज के हक में आया, उसको केस में बरी कर दिया गया, और कोर्ट ने कहा कि जो प्रिजम्पशन थी अंडर सेक्शन 139 के बारे में उसको अक्यूज्ड ने रिबट कर दिया है, यानी कि उसको धाराशाही कर दिया है इस ग्राउंड पर कि मैंने कोई चेक इशू नहीं किया और मेरी कोई भी लीगल लाइबिलिटी नहीं थी। ये चीज़ अक्यूज्ड के पक्ष में प्रूव हो गई, और तब जो है जो ऑनर्स था प्रूफ का
अब बर्डन था प्रूफ का, वो कंप्लेंट की तरफ चला गया, जिसमें उसको ये साबित करना था कि जो चेक इशू किया गया था वो लायबिलिटी के डिस्चार्ज के तौर पर इशू किया गया था अक्यूज के द्वारा, और कंप्लेनेंट हैज़ फेल टू प्रूव एक्चुअल लायबिलिटी ऑफ द अक्यूज, और तब जो है जो कंप्लेनेंट है वो अक्यूज की एक्चुअल लायबिलिटी प्रूव करने में सफल नहीं रहा, ख़ास तौर पे जो चेक का अमाउंट था उसको लेकर, और इन ऑब्जर्वेशंस के साथ जो माननीय ट्रायल कोर्ट थी यानी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट थी उसने अक्यूज्ड को चेक बाउंस के केस में बरी कर दिया, तब जो कंप्लेनेंट है वो इस एक्विटल के अगेंस्ट माननीय हाई कोर्ट में आते हैं और वहां पर अपनी क्रिमिनल एप्लीकेशन फाइल करते हैं। इसमें माननीय हाई कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशंस हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नोटिस के बारे में कहा है माननीय हाई कोर्ट ने कि गिविंग ऑफ नोटिस एंड रिसीट ऑफ नोटिस अ पे हैज़ टू मेक ए डिमांड बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग, की जो नोटिस है 15 दिनों का वो पे के द्वारा दिया जाना जरूरी है होल्डर को कि वो 15 दिनों में पेमेंट दे, ये राइटिंग में होना चाहिए नोटिस, एंड ये पे की जिम्मेवारी है कि वो इस नोटिस के आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको पूरी करे और करेक्ट एड्रेस पर जो ड्रॉअर है उसके करेक्ट एड्रेस पर ये नोटिस भेजे। और इसमें माननीय कोर्ट ने आगे कहा कि ये एक एडमिटेड फैक्ट है कि जो रेस्पोंडेंट है यानी कि अक्यूज्ड है उनकी पत्नी ने नोटिस को रिसीव किया और जो जो प्लीडिंग है उसकी तरफ से अक्यूज की तरफ से उसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रहते हैं, अलग अलग पतों पर रहते हैं, इसलिए अगर वाइफ ने ये नोटिस रिसीव कर लिया तो ये नोटिस की सर्विस आप पूरी मानी जाएगी। और ये प्रूव करने का बर्डन भी अक्यूज पे होगा कि जो वाइफ को नोटिस मिला था वो उनको नहीं मिला यानी कि उनकी नॉलेज में वो नहीं आया। दिस इट कैनॉट बी सेड दैट नोटिस सर्व्ड ऑन वाइफ इज़ नॉट सर्व्ड ऑन द हस्बैंड अंडर 138 ऑफ NI एक्ट, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि पत्नी को नोटिस मिला जो उसी घर में रहती हैं लेकिन पति को उस नोटिस का पता नहीं चला, ये नहीं मान सकते, इसलिए ये नोटिस की सर्विस मानी जाएगी सेक्शन 138 की तरह के तहत। और इसमें एक अन्य चीज़ ऑब्जर्वेशन है कि इट इज़ ऑल्सो एस्टैब्लिश दैट द चेक गोट सिग्नेचर ऑफ द अक्यूज, इसमें एक चीज़ और इस्टेब्लिश हुई है जो चेक पर सिग्नेचर हैं वो अक्यूज के हैं, इसका मतलब ये है कि जो अक्यूज या रेस्पोंडेंट है वो किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो पैसा है उधार का लोन का वो कंप्लेनेंट को चुकाना चाहता था जिसके लिए उसने चेक को साइन किया। दोस्तों माननीय कोर्ट ने आगे कहा कि मेयर एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्नेचर ऑन पार्ट ऑफ अक्यूज्ड की अक्यूज्ड जब ये स्वीकार कर लेता है कि उसने जो चेक पर साइन किए हैं वो उसके हैं, इसका ये मतलब होता है कि ये एक लीगली एनफोर्सेबल डेट था जो अक्यूज्ड के प्रति ड्यू था, और जो है वो डेट एडमिट हो जाता है जब अक्यूज्ड अपना साइन किया हुआ चेक दे देता है, और ये दिस इज़ नो सफिशेंट एविडेंस इन फेवर ऑफ अक्यूज्ड टू डिनाई वर्जन ऑफ कंप्लेनेंट, और जो है इस केस में अक्यूज की तरफ से कोई भी ऐसा सफिशेंट एविडेंस नहीं दिया गया जो कंप्लेनेंट के वर्जन को झूठा जा सके यानी कि ये साबित कर सके कि कोई लीगल लायबिलिटी नहीं थी और यह चेक पर मेरे हस्ताक्षर नहीं थे। तो दोस्तों इन ऑब्जर्वेशंस के साथ माननीय त्रिपुरा हाई कोर्ट ने जो जजमेंट थी एक्विटल की ट्रायल कोर्ट के द्वारा उसको सेटिसाइड कर दिया, और कोर्ट ने जो अक्यूज थे उनको गिल्टी होल्ड किया, उनको डायरेक्शन दी कि जो चेक अमाउंट का पैसा है 9,75,000 रुपये अब वो फाइन के तौर पर कंप्लेनेंट को दिया जाए दो महीने के अंदर अंदर आज की तारीख से यानी कि ऑर्डर की जो डेट है उसकी तारीख से, और अगर वो नहीं दे पाते हैं तब उनको
एक साल की सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सज़ा आप भुगतनी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में दो तीन चीज़ महत्वपूर्ण है कि एक अगर अक्यूज्ड अपने सिग्नेचर एक्सेप्ट करता है तो वो कहीं ना कहीं उसकी लीगल लायबिलिटी बनती है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जब नोटिस परिवार के किसी सदस्य को मिल जाता है तो वो नोटिस अक्यूज्ड पर सर्व हुआ माना जाता है, और अगर नहीं मिला है तो तब अक्यूज्ड को कोई एविडेंस देना ज़रूरी है जो ये बता सके कि जो सर्विस है समन की वो मेरे पर नहीं हुई है। और तीसरा इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो अक्यूज्ड को सर्विस करवानी है लीगल नोटिस की करेक्ट एड्रेस पे, उसकी जिम्मेवारी जो है कंप्लेनेंट की है, वो प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद जो अक्यूज्ड का सही पता है उस पर लीगल नोटिस भेजे 15 दिन का, ताकि उसको कह सके कि इतनी अवधि में जो पैसा है चेक का वो पे किया जाए, वरना कोर्ट में केस फाइल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। हैव ए वेरी नाइस डे। टाटा बाय बाय।